दंतेवाड़ा जिले के थाना बारसूर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मंगनार के जंगल में आमदई एरिया कमेटी के लगभग 10 से 15 वर्दीधारी नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना डीआरजी बस्तर फाइटर्स को प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही सीआईएफ 195 वाहनी यंग प्लाटून की संयुक्त पार्टी डोमिनेशन पर ग्राम मंगनार की ओर से रवाना हुई। उसी दौरान मंगनार के जंगलों में पूर्व से घात लगाए नक्सलियों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से हथियार लूटने की नियत से अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें पुलिस द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई। वहीं इस जवाबी कार्रवाई से नक्सली जंगल और पहाड़ियों की आड़ लेकर भाग गए। वहीं मुठभेड़ के बाद घटनास्थल पर एक नक्सली का शव, एक नग देसी कट्टा समेत लगभग 20 मीटर काला रंग का वायर और अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है। दंतेवाड़ा से संवाददाता मोहम्मद अल्ताफ की रिपोर्ट। 16 जनवरी को हमें सूचना प्राप्त हुई कि लगभग 10 से 15 माओवादी जो आमदे एरिया कमेटी के हैं वो मंगनार कोकाबेड़िया एरिया के जंगल में आकर मीटिंग ले रहे हैं, जिस सूचना पर से हम लोगों के द्वारा डीआरजी बस्टर फाइटर की एक टीम एवं सीआरपीएफ 195 जंगल प्लाटून की टीम संयुक्त टीम रवाना हुई। टीम जाकर घेराबंदी की, जिन पर नक्सलियों द्वारा फायरिंग किया गया। जवाबी फायरिंग में इन्होंने भी फायरिंग किया। फायरिंग लगभग 20 मिनट चली, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन में हमें एक शव बरामद हुआ, जिसके लिए शव के साथ साथ हमें हथियार में देसी कट्टा, राउंड्स, वर्दी, बैटरी, वायर और एवं अन्य जो दैनिक उपयोगी सामान है वो बरामद हुआ। जो शव था उसकी शिनाख्ती की गई, तो उसके बारे में पता चला कि वो आमदे एरिया कमेटी सदस्य प्लाटून डिप्टी कमांडर रतन कश्यप है। 31 साल लगभग है उसकी, जिस पर शासन द्वारा पूर्व से 5 लाख का इनाम घोषित है एवं पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा द्वारा 10,000 इनाम घोषित है।